आजाद मार्केट में बिल्डिंग के मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी। लखनऊ के SSG होटल के दोबारा बनने पर शासन सख्त, CM ऑफिस ने दोबारा निर्माण पर नाराजगी जताई। सख्ती के बाद मंडलायुक्त ने होटल को सील करने का आदेश दिया। पाइप बोझ घोटाले के सभी मामलों की जांच करेगी CBI, प्रदेश सरकार ने केंद्र को सिफारिश भेजी। नोएडा के बाइक बोझ घोटाला मामले में अलग अलग थानों में कुल 118 मुकदमे दर्ज है। UOW कर रहा इनमें से 106 मुकदमों की जांच। दो हजार 24 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी, कुल 7 बिंदुओं के आधार पर दिया जाएगा टिकट। यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। सेंट्रल विस्टा देखने वालों को दिल्ली मेट्रो का तोहफा, आज से एक हफ्ते के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों से दर्शन कराएगी। शाम 5 से 9 बजे तक सेवा मिलेगी। CM योगी आज वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर का दौरा करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मऊ में माफिया के खिलाफ गरजे यूपी के CM योगी, बोले माफिया कोई भी हो कहीं भी हो पाताल से निकाल कर लाएंगे। अखिलेश के केशव मौर्य को दिया ऑफर पर राजभर का करारा वार, कहा सत्ता में रहते अखिलेश को क्यों नहीं आई मौर्य पंडित की याद। वाराणसी कोर्ट में पेशी के दौरान बेहोश हुए BSP सांसद अतुल राय, कोर्ट के आदेश पर एम्बुलेंस से भेजा गया हॉस्पिटल, पीड़िता को उकसाने का मामला। मथुरा में जिला सहकारी बैंक से दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी, कैश काउंटर से कैशियर के जाते ही चोरों ने हाथ साफ किया, पुलिस कर रही है जांच। अमेठी में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की मौत से हड़कंप, अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मारी, एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर एक कार गहरी खाई में गिर गई, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 घायल। संभल में 9 दिन बाद भी नहीं दलित नाबालिग छात्रा का पता चल पाया, चंदौसी कोतवाली के इंस्पेक्टर हटाए गए, 4 इंस्पेक्टर और 15 दारोगा का ट्रांसफर, 30 अगस्त को बच्चे को बहलाकर ले गया था युवक। लखनऊ में लेटे हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का CCTV वीडियो आया सामने, आरोपी पत्थर लेकर मंदिर में दाखिल होता हुआ दिख रहा है। बिजनौर के नगीना में खेल मैदान में सामूहिक तौर से नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की, नमाजियों की तलाश कर रही है पुलिस। आंदा मिला जिहाद का मामला आया सामने, शादी का झांसा देकर 2 साल तक लड़की का शोषण किया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, 7 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। गाजियाबाद के संजय नगर में पिटबुल डॉग का जानलेवा हमला, 11 साल के बच्चे पर अटैक किया, इलाज के दौरान चेहरे पर लगे करीब 200 दांते। नीट के एग्जाम में फेल हुई छात्रा ने 7वीं मंजिल से छलांग लगाई, मौके पर मौत, नोएडा की सेक्टर 151 की एक सोसाइटी का मामला। गाजियाबाद से सामने आई काकी को शर्मसार करती तस्वीरें, फ्री में पानी लेने के लिए दुकानदार को धमकाते दिखा पुलिसकर्मी। एशिया कप T20 में विराट कोहली का पहला शतक, विराट कोहली ने 53 गेंदों में शतक जड़ा, विराट कोहली ने नाबाद 122 रन बनाए। रैपर सिंगर यूयू हनी सिंह और शालिनी तलवार का हुआ तलाक, दोनों के बीच 1 करोड़ रुपए पर समझौता हुआ। शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। फिल्म ब्रह्मास्त्र के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट अभियान का ज्यादा असर नहीं दिख रहा, बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर आलिया भट्ट की इस फिल्म में करीब 18 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली गई। भारत और जापान के बीच टोक्यो में हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल रहे। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल, ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा पर चीन ने नाराजगी जाहिर की, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा ताइवान अब भी चीन का हिस्सा। नमस्कार, हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आगमन है, आने के दरमियान पूरी जनता का पूरा उनके पास प्यार मोहब्बत भरा हुआ है। जिले के नेतृत्व में गाजीपुर के समाचार के माध्यम से आज हम उनको सौगात देने वाले हैं कि गाजीपुर की धरती पे वीरों की धरती है, जो भी मिलेंगे खुशी से मिलेंगे, खुशी के दरमियान हमारे योगी जी का आगमन प्राप्त होगा। सर, आप भाजपा में कौन से पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जमैया की धरती विधान नगर पालिका में यहाँ के चेयरमैन के पद के भावी प्रत्याशी भी हूँ। आपसे आग्रह करते हैं, पूरी जनता से रिक्वेस्ट और विनती करते हैं, एक बार मौका जरूर दें। देने के दरमियान जमनिया वाकई में कहते थे लोग कि जमनिया जमाने सुपर है, जमनिया का जमाने सुपर करके दिखाया।